नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। जयपुर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के साथ तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से कुल 4,40,300 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। करधनी इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों से कलर प्रिंटर और स्कैनर भी बरामद किए हैं। खबर जयपुर से है, जहां बदमाशों द्वारा एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक के घर पर हमला करने का मामला सामने आया है। बता दें कि डॉक्टर पवन जोशी के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी बदमाशों ने तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी से मामले की जांच कर रही है। बारा जिले के अंत में 5 दिन पहले नहर में डूबे बालक का शव दाई मुख्य नहर में तैरता हुआ मिला। सूचना पाकर डीआईएसपी और पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ टीम की मदद से बालक के शव को बाहर निकलवाया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जो है एक युवक के 13 वर्षीय बालक के नहर में, दाई मुख्य नहर में जो है बहने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत पहुंच के मौके पर पुलिस ने काफ़ी तैराकों ने कोशिश करी। एसडीआरएफ की टीम को कोटा से बुलाया, बोट वगैरह सारी चीज़ें आईं और लगातार 4 दिन के अनवरत प्रयास के बाद आज युवक की लाश यहाँ पचेल पुलिया के पहले मिली है, जो कमल सनोफ सोहनलाल जाति गढ़रे लोहार निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अंता का है, जो जिसकी डूबने से मृत्यु हुई, जिसके आज लाश विशेष प्रयासों से सभी के द्वारा करने से एसडीआरएफ की टीम के प्रयासों से निकाल ली गई है। खबर अलवर के बांसुर से है, जहां लापता महिला के संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। इस दौरान ग्रामीण महिलाएं पुलिस कर्मियों से भिड़ गई। ग्रामीण व परिजन ने तीसरे दिन भी महिला का शव लेने से इनकार कर दिया। उदयपुर के सलुम्बर में झल्लारा थाना अधिकारी ने आमजन में विश्वास की एक अनूठी मिसाल पेश की है। दरअसल थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार और उनकी टीम ने जैसे ही मृत पैरावनी की रस्म की तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। पुलिस थाने में पिछले 40 सालों से खाना बनाने का कार्य कर रहे हीरा भाई मीणा ने अपने बच्चे की शादी की, जहां पाटीदार अपनी टीम के साथ परिवार के सदस्य के रूप में शिरकत की। टोंक जिले के देवली शहर में एक ई मित्र संचालक को रुपए लेकर श्रमिक कार्ड बनाना भारी पड़ गया। दरअसल पिछले दिनों रुपए लेकर फर्जी तरीके से श्रमिक कार्ड बनाने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल ने एक बोगस ग्राहक भेजकर शिकायत की जांच कराई। इसमें 1500 रुपए लेकर श्रमिक कार्ड बनाना सामने आया। वहीं पेंशन आवेदन के लिए 150 रुपए भी वसूले किए गए, जिस पर ई मित्र को एक पखवाड़े के लिए निलंबित किया गया है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के लिए जिला मुख्यालय पर नियमित जांच कैंप करवाने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश सर्वेक्षक रीवा शंकर रावल ने वर्तमान में जांच कैंप आयोजित नहीं होने के कारण सिलिकोसिस श्रमिकों की पीड़ा प्रशासन व चिकित्सा विभाग तक पहुंचाई। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शीघ्र समस्या के निराकरण एवं सिलिकोसिस परीक्षण कैंप आयोजन करने का आश्वासन दिया। सिरोही जिले में सिलिकोसिस रोग के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो रोगी सिरोही जिला मुख्यालय पर जांच कराने के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिए जांच कैंप की व्यवस्था नहीं है, उनको समय पर प्रमाण पत्र भी नहीं मिलते हैं। आदिवासी इलाके के लोग जिनके पास सिरोही आने के लिए पैसे की व्यवस्था भी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से वो पैसों का जुगाड़ करके किराया खर्च करके सिरोही आते हैं, लेकिन उनकी यह सुनने वाला कोई नहीं है। इसी समस्या को लेकर आज सिलिकोसिस पीड़ित रोगियों के साथ में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रेवा शंकर जी रावल ने जिला कलेक्टर महोदय से संपर्क किया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी से भी संपर्क किया और इन रोगियों की शुद्ध लेने का निवेदन किया। मेड़ता सिटी में रेलवे सुरक्षा बल फोर्स के कर्मचारियों ने अस्थायी सफाई कर्मचारी रघुनाथ वाल्मीकि की बेटी के विवाह के अवसर पर भात भरकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। अधिकारियों को देख कर्मचारी की पत्नी भाव विभोर हो गई। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के सामाजिक सरोकर को जिसने भी देखा वह सराहना करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। चित्तौड़गढ़ के भासोड़ा कस्बे के सांवलिया जी का मंदिर और जन्मस्थल के सांवलिया जी व तीसरे सांवलिया जी मंडफीडिया मंदिर की अगले माह से शूटिंग शुरू होगी। इसके लिए मंदिर कमेटी की ओर से अधिकृत स्वीकृति जारी कर दी गई है।
अब तक वेब सीरीज रोमांटिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्र में बन चुकी है, लेकिन पहली बार कोई धार्मिक वेब सीरीज बनेगी। बुधवार को निर्माता निर्देशक ने शूटिंग स्थल का जायजा लिया। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने गुरुवार को निवारू रोड स्थित ईवीएम स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ईवीएम मशीनों को देखा और उनके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज।